हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो आज लोअर सर्किट पर 24.50 रुपए पर क्लोज हुआ है बीएससी में और 24.55 रुपए पर क्लोज हुआ है एनएससी पर। और आज इसका रिजल्ट आना था, हाफ ईयरली रिजल्ट एंड सितंबर 2020 को समाप्त हुए क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट। तो हम आज देखते हैं बीएससी के साइट पर एवं एनएससी के साइट पर यह रिजल्ट उपलब्ध है। तो यहाँ देखते हैं बीएससी के साइट पर, यहाँ कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड लोन अन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड सितंबर 30, 2020। आज के दिन मींस 12 नवंबर 2020 को 8:29:23 शाम में इस रिजल्ट को सुपुर्द किया गया है बीएससी एवं एनएससी को। देखते हैं रिजल्ट में क्या है। अब हमारे समक्ष है आलोक इंडस्ट्रीज का रिजल्ट। जैसा हम देख रहे हैं कि आज के दिन इस रिजल्ट को हैंड ओवर किया गया है बीएससी एवं एनएससी दोनों एक्सचेंजों को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शुरू हुई थी 4:45 PM में एवं कंक्लूड हुई 8:25 PM में। और डायरेक्टली हम आते हैं रिजल्ट पर और अब हमारे समक्ष है। उससे पहले हम फोकस करना चाहेंगे इसके सब्सिडियरीज पर, जिनके रिजल्ट को भी समाहित किया गया है इस आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में। और यहाँ देख रहे हैं हम सब्सिडियरीज, जो कि टोटल 8 हैं और ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज हैं 2। आप इसे जूम करके देख सकते हैं। और फर्दर हमारे समक्ष है रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड 30th September 2020। और सारे फिगर्स जो यहाँ आप देख रहे हैं सारे करोड़ में है, करोड़ रुपीज में, केवल ईपीएस को छोड़कर। और यहाँ इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि टोटल इनकम जो कंपनी ने दर्ज किया है 789.84 करोड़ का और ऑपरेशनल लॉस है 470.60 करोड़ का। और रीजन क्या है कि टोटल इनकम हुआ 789.84 करोड़ का और टोटल एक्सपेंस हुआ है 1260.44 करोड़ का। दोनों का डिफरेंस वो लॉस में तब्दील हो रहा है। यहाँ लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स और रिजल्टेंट आ रहा है 470.6 करोड़। मींस टोटल लॉस जो कंपनी ने दर्ज किया है वह है 470.6 करोड़ का। अब लेकिन एक एक्सेप्शनल आइटम यहाँ जिसे हम देखेंगे नोट नंबर 6 में, वह आता है 5023.12 करोड़ का। एज ए रिजल्ट यह जो पूरा जो आंकड़ा है पॉजिटिव हो जाता है, प्रॉफिट में तब्दील होकर के बन रहा है, या बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट हो रहा है वह है 4552.52 करोड़ का और आफ्टर टैक्स यही नेट प्रॉफिट फाइनल फिगर में तब्दील हो रहा है और बन रहा है 4442.94 करोड़, जो कि काफी अच्छा एक साइन है, कंपनी प्रोग्रेस की राह पर है। और जैसा आपको याद दिलाना यहाँ उचित है कि पिछले क्वार्टर में जैसा हम सबों को पता है कि 10,192.8 करोड़ का लॉस कंपनी ने दर्ज किया था पिछले क्वार्टर में और उसका मेन रीजन था एक्सेप्शनल आइटम जो था 8,262.87 करोड़ का और उसी कारण इतना भारी लॉस कंपनी ने दर्ज किया था। और यहाँ भी इस क्वार्टर में ये जो आइटम है एक्सेप्शनल आइटम 5,023.12 करोड़ के, उसी के कारण इस क्वार्टर में 4,442.94 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है और ये एक काफी अच्छा साइन है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिजल्ट में, देखते हैं ईपीएस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। अब एक्सेप्शनल आइटम के पहले बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है 2.07 रुपीज का माइनस फिगर है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम जोड़ने के बाद या जो घाटा है 470.6 करोड़ का वह तब्दील हो रहा है 4,442.94 करोड़ के प्रॉफिट में। तो सत्य ईपीएस पर भी इसका असर पड़ेगा और हम यहां देख रहे हैं रिजल्टेंट ईपीएस, बेसिक ईपीएस जो आ रहा है वह है 15.81 रुपीज और डायल्यूटेड है 8.39 रुपीज, जो कि पिछले क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि बेसिक एवं डायल्यूटेड दोनों 46.11 रुपीज का माइनस फिगर था, मींस -46.11 रुपीज। अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि नोट नंबर 6 में आइटम क्या है। अब हमारे समक्ष है एक्सेप्शनल आइटम रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल रिजल्ट कंप्राइजेस रुपीज इन करोड़, जो भी फिगर है यहाँ सारे करोड़ में है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि गेन ऑन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ प्लेस्ड शेयर एज पर रिजोल्यूशन प्लान 58.44 करोड़ का, ये प्लस फिगर है। गेन ऑन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ सर्टेन पोर्शन ऑफ असाइंड डेट एज पर द अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान नोट बी, दैट इज दिस फिगर इज 4964.68 करोड़,
और फाइनल ये दोनों को जोड़ने के बाद बन रहा है 5,023.12 करोड़, जिसका हमने उल्लेख देखा, जिसका जिक्र देखा हमने रिजल्ट में। यहाँ एक गौरतलब करने वाली बात मैं बताना चाहूंगा, हाफ ईयर एंडेड में आप देख सकते हैं कि टोटल लॉस जो कंपनी ने दर्ज किया है हाफ ईयरली बेसिस पर वह है 1,045.20 करोड़ का, और इसका उल्लेख हम यहाँ फर्दर आगे देखेंगे नोट्स में। और यहाँ हमारे समक्ष है नोट्स जिसको मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ देखते हैं, तो यद्यपि कंपनी ने 1,045.2 करोड़ रुपए का लॉस दर्ज किया है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम फॉर द पीरियड एंडेड September 30, 2020 एंड हैज एक्युमुलेटेड लॉसेस ऑफ 20,103.90 करोड़ एज ऑन दैट डेट, मीन्स पिछले क्वार्टर का और इस क्वार्टर का दोनों अगर मिला दें तो टोटल जो मीन्स यहाँ बात हो रही है एक्सेप्शनल आइटम से पहले का जो लॉस है, तो यह टोटल एक्युमुलेटेड लॉस बन रहा है 20,103.9 करोड़ का एज ऑन दैट डेट। इट्स करेंट एसेट, इसका जो करेंट एसेट है इसके करेंट लाइबिलिटी से एक्सीड कर रहा है बाई 525.66 करोड़। यह एक प्लस साइन है, यह पॉजिटिव साइन है क्या कि इसका जो करंट एसेट है, जो कंपनी के पास जो एसेट है वह ज्यादा है 525.66 करोड़ इसके लाइबिलिटीज से, यह हेल्थ दर्शा रहा है। विथ ए व्यू टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी द रिकंस्टिट्यूटेड बोर्ड हैज अडॉप्टेड ए बिजनेस प्लान विथ स्पेसिफिक फोकस ऑन यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस एवेन्यूज ऑफ इन enhancing revenues. Accordingly, the financial results have been prepared on a going concern basis. तो यह अच्छा, काफी अच्छा declaration है। एक negative चीज को बहुत correctly, without any fear, जैसा कि होना चाहिए result, उस तरह से यहाँ दर्शाया गया है कि भाई accumulated loss जो हो गया है हमारा 20,103.9 करोड़ का as on date till as on date, और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि हमारा जो asset है वो अभी भी ज्यादा है भाई हमारी liability से, और वह फिगर है 525.66 करोड़, यह भी एक प्लस साइन है। और साथ में भी बताया जा रहा है कि हमारा जो करंट जो बोर्ड है रिकंस्टिट्यूटेड, वह बिजनेस प्लान को इस तरह से फोकस कर रहा है कि हम अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज से रेवेन्यूज के जनरेशन को बढ़ावें, उसके एक्सप्लोर करें वेरियस एवेन्यूज ऑफ इनहेंसिंग रेवेन्यूज। तो कंपनी काफी प्रोग्रेस के राह पर है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कल के सत्र में एक बार के लिए यह लोअर सर्किट फिर से लगे, लेकिन जैसे रिजल्ट आने वाला है सभी को उम्मीद था अच्छा रिजल्ट आएगा, आया भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन साथ में जो वह रिजल्ट है बैसाखी पर खड़ा हुआ है, मीन्स एक्सेप्शनल आइटम के कारण रिजल्ट पॉजिटिव हो गया है। हाँ, फिगर अच्छा है, आने वाले क्वार्टर्स में इन बैसाखियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फर्दर यह रिपीट भी नहीं होने वाला है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम है, और कंपनी ऑलरेडी डिक्लेरेशन दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, काफी उम्दा है, अच्छा है। और मुझे लगता है कि यह स्टॉक मिनिमम अगले क्वार्टर तक या अगले क्वार्टर या उसके बाद तक 100% टच करेगा, और इसके बियॉन्ड भी जा सकता है वो बोलना उचित नहीं है अभी। और आपका स्टॉक है, पैसा आपका लगा हुआ, आप जुडिशियसली डिसाइड करें बनाए रहना है नहीं बनाए रहना है, लेकिन मैं तो यह अवश्य कहूंगा कि लॉस बुक ना करें, लॉस में ना निकलें। कंपनी काफी अच्छी है, आपने देखा होगा अदानी ग्रीन्स को, आपने देखा होगा रुचि सोया को कहां से कहां स्टॉक पहुंच गया, सेम टाइप का कुछ सीन मुझे इस स्टॉक में भी दिखता है, बट स्टॉक मार्केट है, कुछ भी गारंटी से नहीं कहा जा सकता। लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और इसी के साथ मैं वाइंड अप करूंगा, और फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैं अपने दूसरे वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड डे, गुड नाइट, सी यू विद माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।